दोस्तों हम लोग ब्रेन टीजर बना रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पहला हम लोग का है कौन होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 8 - 5 + 2, तो बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविजन नहीं है, एम फोर एम मल्टीप्लीकेशन है, ए फोर एडिशन, ये और ये एड होगा, तो 8 + 2 = 10 - 5 = हो जाएगा 5। तो आंसर हम लोग का आया ये 2 नंबर, देखिए 5 है। नेक्स्ट बनाना है दोस्तों, मैं सिंपल सब सारा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 2 + 1/2 * 1/2, दोस्तों एम फोर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तब ना ए फोर एडिशन करेंगे, तो यहाँ देखिए कटेगा तो नहीं है, तो 2 + 1 = 1, जब कटे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता, नीचे नीचे 2 * 2 = 4, तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 दे सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ हो गया 1 * 4 = 4, तो 4 * 2 = 8 + 1, तो 9/4 हो गया। ऐसा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं है तो पूर्णांक में आएगा, तो 4 * 2 = 8 = 1/4, ऐसा भी ऑप्शन में आया 4 * 2 = 8 = 1/9, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 1 पूर्णांक है, नहीं होगा 2 * 1/4, तो यही होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है ना, ये भी ऑप्शन हो सकता था लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट सी नंबर बना रहा हूँ, 1.7 + 1.8 * 2, ए बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविजन नहीं है, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, हम बता रहे हैं 18 * 2 = 36, लेकिन आपको पॉइंट सोचना ही नहीं है, उसके बाद में गिन के बताना था, यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट है नहीं, तो 1 यहाँ बैठा देंगे पॉइंट, तो 1.7, उसके बाद जोड़ेंगे 6 + 6 = 7 + 6 = 13 * 3 = 1, 3 * 1 = 4 और 1 = 5, ऐसा ऑप्शन में कहाँ पे है, देखिए पहले है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ बना रहा हूँ डी नंबर, 5.3 + 1.5 / 5 = 2, ऐसा है, तो बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओवर ऑफ नहीं है, डी फोर डिवीजन है, तो 15 सोचना, 15 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3, और इसमें पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0.3 * 2, और यहाँ था +5.3 है ना, उसके बाद बी फोर ब्रैकेट डी फोर डिविजन कर दिया, उसके बाद एम फोर मल्टीप्लीकेशन 3 * 2 = 6, इसके बाद पॉइंट था एक अंक बाद पॉइंट, इसलिए 0.6 + 5.3, इसलिए हो जाएगा 6 + 0 = 6 + 3 = 9 और 5 का 5 = 5.9, ऑप्शन है दोस्तों 5.9, ये देखिए दूसरा ऑप्शन। अगला बनाना है दोस्तों ई नंबर, 3 + 0.3, आप सोचिए यहाँ 0 पॉइंट है नहीं, 0.3 और 0.3 एक ही चीज़ है दोस्तों, हाँ समझ में आया होगा, उसके बाद पहले हम लोग बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ऑफर ऑफ नहीं है, डी फोर डिवीज़न है, यहाँ का काम करेंगे 3 + 0.3, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 2 है ना, उसके बाद 3 + 3 * 2 = 6 और एक अंक पर पॉइंट है तो इसलिए एक अंक पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ और इसको ऐड करेंगे, तो 6 + 3 + 0.6, तो 3.6 ऑप्शन में होगा, तो सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए एक बार फिर से और समझा देता हूँ, यहाँ पहले इसका काम किए थे दोस्तों, यहाँ मिस्टेक होगा, देख नहीं रहा होगा शायद, फिर से हम बता देते हैं, तो यहाँ पहले क्वेश्चन मैंने उतारा है, देखिए क्वेश्चन सेम है ई नंबर, तो पहले डिवीजन का काम किया तो 4 * 2 से डिवाइड किए तो 2 आया और बाकी सेम टू सेम, उसके बाद 3 * 2 = 6 लिख दिया और एक अंक बाद पॉइंट था इसलिए एक लगाए, उसके बाद 3 + 0.6 जोड़ेंगे तो 3.6, 3.6 दूसरा नंबर में ऑप्शन था। उसके बाद आते हैं हम लोग सिंपलीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो चलिए ये बनाते हैं अब 2 नंबर का ए, 108 / 12 + 46 - 14, ऐसा है, तो 108 को 12 से डिवाइड पहले करना है क्योंकि बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविजन है, तो 9 + 46 - 14 डिवाइड, डी फोर डिविजन कर दिए, एम फोर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ए फोर एडिशन, ये दोनों को ऐड करेंगे 6 + 9 = 15, तो 55 हो जाएगा और 14 घटाएंगे, तो उसके बाद एस फोर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 5 में 4 गया 41। नेक्स्ट है
बी नंबर। दोस्तों यहाँ लग रहा है छोटा छोटा, मेन है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी बनेगा। और पहले बी ओ डी एम ए एस को पहले रट लीजिएगा तब लगाइएगा। बी फोर हम एक बार फुल फॉर्म बताए थे, बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ओ, टी फोर डिविजन, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, ए फोर एडिशन एंड एच फोर सब्ट्रैक्शन। इसी से आपको ये सब सारा क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से ज़्यादा, लेकिन आपको वो याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविज़न है यहाँ पे। 16 प्लस 9 माइनस, बाकी सेम टू सेम उतारते हैं, 6 टू जा 12 माइनस 5। उसके बाद है एम फोर मल्टीप्लीकेशन, तो 16 प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 5। उसके बाद ए फोर एडिशन, एडिशन तो सिर्फ यहाँ है ना, तो 16 प्लस 9 25। और दोस्तों यहाँ भी देखिए एडिशन होगा क्योंकि ये दोनों माइनस है तो 11 हो जाएगा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। समझ में आएगा दोस्तों, ये तो घटा लेंगे, 5 में 1 गया 4 और 2 में 1 गया 1 ऐसा। उसके बाद है सी नंबर, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4 डिवाइड ऑफ 2। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओवर ऑफ नहीं है, डी बोज डिविजन है यहाँ है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 4। अब इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 1 बाई 4 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये पलटता है, तो आ जाएगा 1 बाई 8। दिक्कत आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम फोर मल्टीप्लाइजन यहाँ भी है, 2 इंजा 2 माइनस, यहाँ भी कटेगा नहीं, 8 फोर जा 32, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देंगे तो 32, 2 32 जा पढ़ना पड़ेगा, तो 32 टू जा 64 माइनस 1 तो हो जाएगा 63 बाय 32। तो दोस्तों यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका हम लोग क्या करें मिक्स प्रेस से निकालेंगे, तो 32 1 जा 1 32 और 31 बाय 32 है ना, 32 1 जा 32 प्लस 31 तो 63 आ जाएगा। मिक्स प्रेस से मेजर कर दिए, नंबर बना लिए दोस्तों, सी बना लिए। अब बनाते हैं हम लोग डी। डी नंबर में है, पहले तो क्वेश्चन उतरना था लेकिन हम लोग यहाँ पूर्णांक तोड़ के ही लिख रहे हैं, सॉरी। तो 5 टू जा 10 1 11 बाय 5 प्लस 7 टू जा 14 प्लस 5 तो 19 बाय 7, सॉरी यहाँ इंटू है 7 बाय 19 माइनस 1 बाय 4 इंटू 3। उधर लिए पूर्णांक तोड़ लिए हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे, बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओवर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविजन नहीं है, एम फोर मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 19 से 19, ऐसा नहीं कि 0 आया दोस्तों, 1 आता है जब कटता है तो ऊपर नीचा 1 आता है, तो प्लस 1 माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ 3 बन जा 3 4, यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 दे सकते हैं, यहाँ इसलिए ऐसा हुआ दोस्तों, 3 1 जा 3 और यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 और 4 1 जा 4। अब ए फोर एडिशन का काम करेंगे, तो 5 11 5 1 जा 5 11 1 जा 1 5 जा 5 तो प्लस 5 माइनस 3 बाय 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 प्लस 1 6 और 16 हो जाएगा बाय 5 माइनस 3 बाय 4। तो एलसीएम लेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 4 बार पढ़ते 16 4 जा 64 माइनस 4 5 जा तो 5 3 जा 15, तो यहाँ हो जाएगा 14 में 5 गया 9 और यहाँ 5 में 1 गया 4 बाय 20, तो यहाँ हो जाएगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 22 जा 40 तो 2 पूर्णांक 9 बाय 20 ऐसा हो जाएगा। अगला बनाना है दोस्तों, उसके बाद है ई नंबर में, 3.5 प्लस 6 डिवाइड ऑफ 0.6 इंटू 2.5। इसमें है बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिविज़न नहीं है, डी फोर डिविज़न है यहाँ, तो 3.5 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6, लेकिन इसमें पॉइंट था ना,
इस वाला में तो सिक्स डिवाइड ऑफ सिक्स बाय टेन, तो ये हो जाएगा सिक्स टेन बाय सिक्स, तो सिक्स से सिक्स कटेगा तो इसमें जीरो लगेगा दोस्तों, क्योंकि बाद वाला में पॉइंट रहता है तो इसमें जीरो लगता है, इस वाला पर पॉइंट रहता है तो पॉइंट लगता है। इन टू टू पॉइंट फाइव, थ्री पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव, टू पॉइंट फाइव को टेन से करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, और एड करेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव। नेक्स्ट है दोस्तों, हम मैं लगातार बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो रिपीट दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। 1.8 इंटू एफ नंबर बना रहा हूँ, 2.4 माइनस 2 इंटू 2.1 प्लस 0.12। बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ नहीं है, डी फोर डिवीजन नहीं है, एम फोर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी है मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है। तो पहले 24 को 18 से करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई, और दो अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 18 फोर जा तो ऐसा हो गया मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 2, तो 1 2 यहाँ पॉइंट बैठा दिए, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा दिए, प्लस है 0.12। अब ए फोर एडिशन, इसको इसको ऐड होगा, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 2 4 और 4 माइनस 4.2। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 दो अंक है तो दो अंक यहाँ बना सकते हैं जीरो लगा के, 4 में 0 गया 4, 4 में 2 गया 2 और 4 में 4 गया 0। समझ में आएगा दोस्तों, 0.24 आंसर है। नेक्स्ट है, जी नंबर बना दिए, उसके बाद सॉरी एफ नंबर बनाया ना, जी नंबर बनाया, कौन नंबर बनाया, तो एफ बनाया, अब बनाएंगे जी। तो 36 माइनस 11 माइनस 15 माइनस 2, तो ज़्यादा इजी है। 36 ये सारा दोस्तों एड है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब सारा एड करेंगे, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 और 1 1 2, तो यहाँ हो जाएगा, अब घटाएंगे 16 में 8 गया 8 और यहाँ 2 में 1 गया 1 18। समझ में आया होगा दोस्तों, ये तो बहुत ईजी था, सॉरी यहाँ 16 क्योंकि कैरी दिए थे इसलिए यहाँ होगा सिर्फ 8 होगा, क्योंकि यहाँ कैरी दिए थे ना, 16 में 8 गया 8 और यहाँ 2 में 2 गया 0, तो 8 होगा। उसके बाद एच नंबर देखते हैं, 7 प्लस 7 इंटू 7 भागा डिवाइड ऑफ 7 माइनस 7 प्लस 7, तो हम लोग बी फोर ब्रैकेट नहीं है, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिविजन यहाँ का काम करेंगे, 7 प्लस 7 इंटू 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 7 प्लस 7, उसके बाद एम फोर मल्टीप्लीकेशन 7 प्लस 7 बन जा 7 माइनस 7 प्लस 7, तो ए फोर एडिशन, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, क्योंकि ये माइनस है, तो 7 3 21 माइनस 7 बराबर 14। समझ में आया होगा दोस्तों, अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों 3, सिंप्लीफाई एंड कंपेयर द पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इधर भी आपको कैलकुलेशन करना है कितना आ रहा है, इधर भी करना, तो दोस्तों यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ए 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, और यहाँ बॉक्स है 15 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ देखिए ये तो पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके मैं 3 2 जा 6 कर ही देता हूँ, माइनस 6 प्लस 3 ये दोनों ऐड होगा क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ होगा 18 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 12, इधर आया 12, इधर देखते हैं 15 यहाँ तो माइनस 3 3 2 जा 6 ये दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 21 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 18। दोस्तों इधर 18 आया इधर 16 आया, तो ऐसा वाला लगेगा साइन, ये बड़ा है दिक्कत। अब बी नंबर बना रहा हूँ, 3/5 इंटू 2/3 इंटू 7/10, 3/5 प्लस, दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भेजिए। चलिए बनाते हैं हम लोग, यहाँ दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई है, कैलकुलेशन करना है, 3 से 3 ऊपर नीचे कटता है दोस्तों, और 10 से 5 बार में कटा, तो ऊपर में 7 नीचे में 5 5 जा 25, ये आया, इधर देख लेते हैं दोस्तों, इधर कटेगा तो नहीं है,
हाँ कटेगा ये वाला थोड़ा सा, 2 से 5 बार में, तो इधर हम लोग का आ जाएगा कितना, 3/5। इधर दोस्तों पूरा मल्टीप्लाई ही था, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस था तो मिस हुआ, रुक जाइए, यहाँ प्लस था तो 3 से 3 कटा, तो 2/5 + 7/10। देखिए दोस्तों अगर मिस होता रहेगा तो फिर गड़बड़ होगा, मैंने अभी मिस किया, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 5 2 10 तो 4 + 7 तो यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11/10। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 पूर्णा 1/10, ये आंसर हुआ या ये भी हुआ। इधर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, यहाँ 2 से 5 बार में कटा तो 7 और 5 3 जा 15, एलसीएम लेंगे तो 15 होगा तो 5 3 जा 3 3 जा 9 + 15 = 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 9 16/15। अब पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ देखो 11/10 और यहाँ फिर 16/15। अब क्या करेंगे, तो 10 बाय इतना और 16/15 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा, और 10 को 60 से करेंगे तो 160 हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला साइन लगेगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोबारा रिपीटेशन देख सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है।